क्या मजे लिए थे यार भाई। भाई सब हॉस्पिटल में भाई बॉम्ब फोड़ा था भाई, उसके साथ की मजे से यार। भाई किसने फोड़ा? क्या हुआ ओ भाई? भाई ने फोड़ा यार भाई, क्या ही मजा आए थे। मैं भी मजे लिए थे वैसे ही। रोते यार, रोते यार भाई, रुला दिया यार, मजा आ गया भाई का। अंडा बर्थडे है तो मजनू देख तेरी लैला आ गई यार। कुछ क्यों बोल रहा है तू? चलो गाइस भूख लग रही, जल्दी जल्दी केक काट कर लेते हैं। अरे भाई क्या बोल रहा भाई, भाई का बर्थडे है भाई, क्या मस्त केक है यार। भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे, भाई का। अरे क्यों, अभी तो आई थी यार तुम। भाई लोग यदि स्कूल वालों को पता चल गया तो हमें कहीं खेलना कर दे। हम होंगे ऑल पास, हम होंगे ऑल पास। सोते हैं बिंदास, लिखते हैं बकवास, करते हैं टाइम पास, फिर भी है विश्वास, मार्क्स मिलेंगे झकास। कॉल क्यों नहीं उठा रहा भाई? भाई मुझे ना अपनी रिंगटोन बहुत प्यारी है। चलो गाइस मेरा एक आंसर दो, तुम्हारी सास का ससुर का बेटी का लड़का का कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? तेरा बाप हुआ। जल्दी
मेरा बहुत तेज नींद आ रही है। टाइम क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा। यार घर जाना है। चलो यार चलते। बच्चों पता है ये कौन है? ये दीक्षा है। ये अपनी प्रिंसिपल की बेटी दीक्षा चक्रवर्ती है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं दीक्षा ने सर को सब बता तो नहीं दिया। यार मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। ये सब मुझसे क्यों बोल रहा है? ये सब आर्यन की गलती है। ना ये दीक्षा को बुलाता और ना ये सब होता। हाँ यार बाहर क्या कुछ कर रहे हो? याद आओ ये बताओ, सच में बताना, तुम चारों में से क्रेकर किसने फोड़े? मुंह मत देखो, यहां बताओ देखकर किसने फोड़े। आज के बाद ही तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो ध्यान रखना, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के सारे कारनामे दिखा दूंगा और जरूरत पड़ाना तो रेस्टिकेट भी कर सकता हूं मैं। गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। जाओ। सॉरी सर, आज के बाद कभी मस्ती नहीं करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। मच बेटर। ये नहीं सुधरेंगे। हाँ रईस बाप की औलाद जो ठहरे। अरे उल्लू का जितना। हाँ मैम, अब से हमें नहीं बैठेंगे, हम तो आपसे पढ़ाई करना है। चलो अच्छी बात है, तो मैं आपको आज जनरल एंट्री से पढ़ाई। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना वीरेंद्र रघुवंशी। तो आपने देखा स्कूल लाइफ विद लव का तीसरा एपिसोड, प्यार का बदला। तो दीक्षा जिस काम के लिए आती, जिस मोटिव से आती, क्या वो पूरा कर लेती? हाँ जी पूरा कर लेती। उसका मोटिव था बच्चों को सुधारना, वो बच्चों को सुधार लेती। लेकिन आपने देखा आर्यन के फ्रेंड उसको छोड़ देते, आर्यन अकेला हो जाता। दीक्षा ने तो प्यार का बदला ले लिया, बट अब आर्यन क्या करेगा? आइए देखते हैं फोर्थ एपिसोड में।
और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, उसमें शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना प्यार दे सकते प्लीज प्यार दीजिए। मिलते हैं और जल्दी।